हेलो एवरीवन, यस, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट कर हुए 1 मंथ हो गया है और अभी भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। 31 मई के बाद आप किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज का हम लोग रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे रखा। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, क्योंकि अभी भी आप लोगों में से कई लोग मुझे जब मैसेज करते हैं कि सर अभी तक टेस्ट सीरीज से हम जुड़ नहीं पाए या कौन कौन से टेस्ट देना है, तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूं। नंबर वन, हमने सबसे पहला जो टेस्ट था और इनकी क्लासेस भी हुई है पहले, 29 अप्रैल से स्टार्ट किया था और सबसे पहला हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप में से जो भी स्टूडेंट बाई चांस अगर पीछे के टेस्ट नहीं दिए हैं तो कैसे देंगे और किस ढंग से देना, और इवन मैं नेक्स्ट मंथ तक के आपको टेस्ट का प्लान बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए, नोट करते चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट जो था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि 29 अप्रैल को हुआ था और सेम डे यूट्यूब पर ही 7 PM पे इसका सॉल्यूशन हुआ था। एक अलग से मैंने IIT वाली सुपर 30 की एक वो बनाई हुई प्लेलिस्ट, उसमें सारे मिलेंगे। आप लोगों को करना क्या, देखिए आप में से कई लोगों अलग अलग जब मैसेज करके पूछने के सर JEE में कैसे स्कोर्स करें, ये रैंक बूस्टिंग या परसेंटाइल बूस्टिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया था और ये JEE या NIMSET या NDA सभी स्टूडेंट के लिए काम का, स्पेशली JEE और NIMSET स्टूडेंट के लिए सेशन बहुत काम का, इसलिए ये पूरी टेस्ट सीरीज मैंने NIMSET वालों के साथ भी रखी, उनसे भी अभी बात करता हूं। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा हुआ था 29 को, फिर सेकंड टेस्ट 3 मई को हुआ था, इसका भी सेम डे एनालिसिस हुआ, फिर बाइनोमियल थ्योरम 6 मई को। आप सोचिए कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए, फिर डिटर्मिनेंट, फिर मैट्राइसिस, फिर हम आए ट्रिग्नोमेट्री पे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला टेस्ट जो था वो था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 17 मई, सेम डे एनालिसिस। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर बाई चांस आपने कोई टेस्ट नहीं दिया है या आपके पीछे के सारे टेस्ट छूटे हैं, तो आप 1 by 1 टेस्ट भी दीजिए, पहले टेस्ट देना है, देन उसके बाद एनालिसिस करना है। जब आप टेस्ट देंगे और जब आप, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी 2 मिनट बाद देखता हूं, जब आप टेस्ट देंगे और उसके बाद एनालिसिस क्लास अटेंड करेंगे तो फायदा होगा। देखिए एक चीज बताता हूं, आपको प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड सॉल्यूशन जगह जगह मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, पर जब आप कोई टेस्ट देते हैं उस टेस्ट का भी आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर उसका सॉल्यूशन वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, अप्रोच, कंसेप्ट सब बताए जाते हैं, ये बहुत कम होता है। और इम्पिटस गुरुकुल के साथ या मेरा एक नेचर है, मैं नॉर्मली जो टेस्ट लेता हूं उसका एनालिसिस देता हूं, उसमें कई चीजें आप लर्न करते हो। तो आपने अगर नहीं दिया अभी भी तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इनवर्स, और आज जो है वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का पेपर है। उसके बाद का आप शेड्यूल सुनिए क्या है, उसके बाद आपको 31 मई को अपकमिंग जो है, देखिए अपकमिंग लिखा है, फंक्शन लिमिट, मैंने कैलकुलस को काफी डिटेल में कवर किया हुआ है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपका NIMSET या JEE में एक बहुत अच्छा पोर्शन कवर होता है, इसलिए ये दो टॉपिक पे काफी वर्क कर रहा हूं। बाद में फुल लेंथ टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आएंगे, पर पहले टॉपिक वाइज, और दूसरा इसका टाइम कम रखते हुए अब आपसे जो भी पेपर होंगे वो 25 क्वेश्चन के होंगे, तो और आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में और स्पीड आपको बढ़ाना होगी। तो ध्यान रखिए कि अब आपको, देखिए पहले सुनिए, आप 31 मई को जो टेस्ट होगा वो होगा फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। ये सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं मैजिकल वाली क्लासेस में। फिर 3 जून को होगा डिफरेंशिएशन, फिर 7 जून को होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर होगा डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर कर्व, फिर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद एक कंप्लीट कैलकुलस का टेस्ट होगा। अब इसके बाद का मैंने अभी, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए JEE या NIMSET की डेट आ जाती है उसके हिसाब से प्लान करूंगा, अगर लगता है टाइम और है तो हो सकता है मैं कंप्लीट कैलकुलस का एक टेस्ट और ले लूं, फिर उसके बाद हम PNC या प्रोबेबिलिटी या 2D इनकी भी क्लासेस करेंगे। अब दूसरा आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर अभी तक हम लोग टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पाए या कैसे जुड़े, या जब आप ये सेशन देख रहे होते हैं तो बीच में पूछते हैं, तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं। तो ये एक तो आप टाइम टेबल सभी लोग लिख लीजिए ध्यान से, सभी को बेटा टेस्ट सभी के होंगे पर कोई एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हर एक बच्चा, देखिए जब YouTube पे हम बात करते हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, तो कोई आप हर एक के हिसाब से नहीं, कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म को लेकर चलना होता है। तो मैंने सबसे पहले मेजर टॉपिक्स लिए, अब बात करते हैं इससे कैसे जुड़ेंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको करना यह है, यहां पर लिखा हुआ है फ्री टेस्ट सीरीज, आप फ्री टेस्ट सीरीज को क्लिक करिए, ये पेज ओपन होगा, यहां पर साइट पे रजिस्टर करिए। IIT वाले के लिए आप, एक तरीका यह भी है कि IIT
30 कोड से भी ये कोर्स बाय कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक बच्चे को कोई एक ही कोर्स ज्वाइन करना है, और याद रखिए आप जिस कोर्स के लिए हैं उसी से जुड़िए, क्योंकि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आईआईटी वाले स्टूडेंट हैं तो आप आईआईटी वाले से ही जुड़िए, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के पेपर्स होते हैं। मंडे थर्सडे मैथ्स, ट्यूसडे फ्राइडे फिजिक्स और वेनसडे सैटरडे केमिस्ट्री, तो आप उसी से जुड़िए। और देखिए इसके जुड़ने का तरीका सिंपल है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर चाहें तो इस कोर्स के लिए IITS 30 लिख के जुड़ जाएं। पर एक बच्चा एक कोर्स से जुड़ेगा। कुछ बच्चों ने ऐसा किया, आईआईटी वाले ने मैजिकल में ज्वाइन कर लिया, मैजिकल ने हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप मैजिकल कैप्सूल वाले हैं मान लीजिए, तो मैजिकल में ही जुड़िए। रीजन, क्योंकि यहां पर जो आपके टेस्ट होते हैं जेई वाले तो होता ही है, पर साथ में लिमसेट मॉक भी होता है ना, तो आप इसी में रहिए। तो आपको पेपर ऐसा नहीं होगा कि यहां पे मिला, क्योंकि जब हम दे रहे हैं तो फिर आपको भी देंगे, तो आप अपनी ही टेस्ट सीरीज में रहिए। अगर बाई चांस आप उसमें जुड़ गए आईआईटी में तो शिफ्ट हो जाइए, या इससे आईआईटी में शिफ्ट होना, तो एक जस्ट डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक मैसेज करना है। पर जिस कोर्स के लिए आप हैं, आपको मैं सजेशन दूंगा उसी के लिए जुड़िए, क्योंकि दो कोर्स के साथ जुड़ना इसमें पॉसिबल नहीं होता, वो फिर मैम काउंटिंग करके अलग हो जाते हैं। तो जैसे एनडीए के लिए तो एनडीए में जुड़िए, आईआईटी के लिए तो अभी हम जैसे अभी आईआईटी वाला टेस्ट सेशन ले रहे हैं, तो मैंने आपको ये इसलिए सब बताया। तो ध्यान रखिए कि आप लोगों को अभी इस वीक के बाद के मैंने टेस्ट बता दिए, अब आपका काम यह है कि आप लोग कैलकुलस पढ़ना चालू कर दीजिए, और इन कैलकुलस के टॉपिक की एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बाकी सारे टॉपिक की क्लास ऑलरेडी ले ली है। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में मैंने जैसे आज लॉग की सेकंड क्लास ली थी, अब उसमें एलजेब्रा स्टार्ट करके एक बार फिर से, कुछ बच्चों का यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आया था एलजेब्रा वगैरह में और उनको एलजेब्रा पढ़ने की जरूरत थी, इसलिए मैं जो ये टॉपिक हो चुके हैं इनको सेकेंड हैंड से बेसिक से फिर पढ़ाना चालू कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप अब कैलकुलस को इस ऑर्डर में पढ़ना चालू करिए और इसी ऑर्डर को फॉलो करिए, जो जो टॉपिक बताए हैं इसको पूरा कंप्लीट करिए, जिससे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आए। जो बच्चा 22-23 वाला है वो लाइव रजिस्टर्ड में जो रेगुलर कोर्सेज हो चुके हैं स्टार्ट, उनको भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन, आपके डाउट। देखिए क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, पर टाइम का मैनेजमेंट का ही दिक्कत होता है थोड़ा सा। मैं अभी इसमें टाइम भी आपको कम इसलिए दे रहा हूं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट में दो चीजें हैं कि हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। हो सकता है हम सारे क्वेश्चन ना कर पाए, पर हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम वो क्वेश्चन ना छोड़ें जो हार्डली लेस देन 1 मिनट में हो रहा है। देखिए हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन पे बहुत वर्क करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप पॉजिटिवली चीजें करेंगे तो काफी कुछ कवर होगा। अच्छा, जो भी कोर्स है वो एक्सटेंड अपने आप हो जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट मैंने रखा है 31 मई, उसके बाद नए बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होंगे, पर 31 मई तक जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे उन सभी को, हो सकता 31 नहीं पर नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तक एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं तो उनको एक्सेस देने में टाइम लगता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, वेट फॉर सम डेज। आप मुझे भी मैसेज करते तो मैं यही लिखता हूं, थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ सकता है, बट अगर आपने रजिस्टर बिफोर 31 किया है तो आपको मिल जाएगा और आपके ही कोर्स में मिलेगा। और बाई चांस किसी गलत कोर्स में ज्वाइन हो गए तो आप मुझे मैसेज लिख के, डिस्क्रिप्शन नंबर पे मैसेज लिख के केवल ये लिखिएगा कि शिफ्ट टू दिस कोर्स, बस, तो आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि सब इतना कुछ हो रहा है फिर भी कई लोगों के स्कोर अभी नहीं आ रहे, उसका एक रीजन ये हो सकता है, या तो आप बहुत ज्यादा मिसगाइडेड हो गए या आप बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल मत करिए। जैसे आप कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है आज से लेके, ध्यान दीजिए, 21 जून तक, अब मैं आपके साथ कैलकुलस पे वर्क करूंगा। आज ये डेट कितनी, 27, आज तो खत्म हो जाएगी, मतलब आप 27 से लेके लगभग, अब मैं आपको चाहता हूं लगभग 25 डेज आपको कैलकुलस के लिए दिए जा रहे हैं। अब अगर आपने पूरा फोकस अपना कैलकुलस पे लगाया तो क्या होगा, इधर टेस्ट में भी परफॉर्मेंस आएगी, फाइनल एग्जाम में भी परफॉर्म करोगे। आप कैलकुलस के साथ चार और टॉपिक पढ़ने लग जाओगे तो मुश्किल होगी। हाँ, ये अलग है कि एक एंड पे पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का पेपर दो, उससे ये होगा कि बाकी टॉपिक के टच में रहोगे, पर रिवीजन करना है कैलकुलस का, बाकी सारे मैथ्स का प्रैक्टिस जरूर करिएगा,
ये बात भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको अगर अभी एग्जाम देना है तो ऐसा ना हो कि कैलकुलस पढ़ते रह जाए, बाकी सब्जेक्ट का बाकी टॉपिक भूल जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या करा जाए, तो आप फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं, जो मॉक हम लोग ले रहे हैं फुल लेंथ, उसको आप सॉल्व किया करो, जिससे कि रिमेनिंग टॉपिक का इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट बना रहे। यानी दो एक से दो घंटे आपको पूरी मैथ्स को देना है और बाकी समय आप कैलकुलस को दे, पेपर के एनालिसिस पे बहुत वर्क करें। इतना टेस्ट, इतना कुछ हो रहा है इम्पीटस गुरुकुल चैनल पे कि कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सुबह अलग वो आपकी कंप्यूटर वाली क्लास, उसमें लोअर क्वांट की भी क्लास, सब कुछ हो रहा है, पर अगर आपने पॉजिटिव माइंड से फोकस होकर पढ़ाई की तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू बेटा। अभी मैं आपको जो शिवम शर्मा बेटा, अभी मैं इस पेपर का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, है ना? तो अभी इस पेपर के सॉल्यूशन पे फोकस करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड जब आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा। अभी मुझे आप लोग सबसे पहले, तो आज जो टेस्ट जिन्होंने दिया है वो लोग अपने नंबर लिखें। और एक और बात फिर बोलूंगा, जिन्होंने बाई चांस पीछे के कोई भी टेस्ट छोड़े, एक तो दो चीजें याद रखनी है, टेस्ट भी देना है और इन टेस्ट पेपर के एनालिसिस भी सेम डे हुए हैं वो भी देखना है। और इस सब के लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया, देखिए पूरे पेपर मिल जाएंगे पीछे के, कि आपको live.impetusgurukul पे जाना है, फ्री टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है, ये पेज ओपन होगा, और यहां से IITS30 कूपन कोड यूज करके या रजिस्टर्ड करके यहां पर एक फॉर्म लिखा है, इसको भर के भेज दें, आपका एक्सेस हो जाएगा। चलिए अब इस पेपर के हम वापस एनालिसिस पे आते हैं। 68 है, ओके 17 करेक्ट है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा कि कितने राइट रॉन्ग है। देखो जब हम बात करते हैं, कौशिक बेटा मैंने आपको बताया कि अभी जो टेस्ट होगा फंक्शन और रिलेशन में, रिलेशन सेट के साथ होता है, सेट रिलेशन, वो रिलेशन है, यहां पर हम करेंगे फंक्शन, कैलकुलस का फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। ओके, एनी अदर डाउट? कोई बात नहीं, किट जी का पेपर नहीं दे पाया गोपाल, कोई बात नहीं, नहीं रिलेशन नहीं होगा। 15 out of 100, ओके। चलिए अब इस पेपर को थोड़ा देखते हैं, कोई भी एग्जाम होने के चांस जून एंड या उसके बाद कभी भी हो सकते हैं, ठीक है ना? चलो अब आप लोग बेटा, आपके स्कोर्स मैंने देख लिए, लगभग 30 से 70 के बीच में काफी लोगों का, राखी आपका स्कोर काफी अच्छा, 85/100, 22 करेक्ट, वेरी गुड। और कोई 78, ओके प्रतीक राजपूत, अजय सोनी, वेरी गुड, 90, भास्कर 34 कम है, भास्कर, राखी 85, रवि राज 47, राखी 85, ओके। 2/100 मतलब अभिषेक, टू अभिषेक कोचता, 2/100 मतलब 2 marks या सेकंड रैंक, 90 बहुत बढ़िया स्कोर है। विशेष बेटा अगर आपको 22 के लिए बैच ज्वाइन करना है तो उसका बैच अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 22 का ट्यूजडे से ही हुआ है स्टार्ट, ऐप बैच तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रेगुलर 2 classes होती है, एवरीडे एवरी संडे टेस्ट, सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैं आप सबको बोलूंगा जो बाई चांस, क्योंकि देखिए ये सेशन यूट्यूब पे हो रहा है, तो 22-23 वाले बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करके रेगुलर प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, जिससे उनको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम फेस ना हो। चलो अब पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और जो जो आपके डाउट्स हैं वो देखते हैं। मैंने आपके स्कोर्स देख लिए हैं, काफी अच्छे स्कोर्स करें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, ये बहुत खुशी की बात है। एलजेब्रा पे अगर कमांड नहीं आ रहा तो मैंने अभी जो दोबारा एलजेब्रा स्टार्ट किया पढ़ाना, आप एक बार फिर से टॉपिक पढ़ें, फिर से इन टेस्ट्स को हम और बढ़ाएंगे। अभी तो मैं इस पे फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट करूंगा, एक बार खत्म हो जाए थोड़ा एग्जाम्स का हमें समझ में आ जाएगा, जून एंड तक की कब हो रहा है उसके हिसाब से मैं आगे का प्लान करूंगा। चलिए पेपर के एनालिसिस पे आते हैं। अच्छा देखिए ये मैंने फिजिक्स में भी लिखा हुआ है कि किस किस ढंग से फिजिक्स के कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, ये मैथ्स के डेज देखिए, मंडे थर्सडे फिजिक्स के, ट्यूसडे फ्राइडे एंड केमिस्ट्री के वेनसडे सैटरडे। चलिए अब आते हैं पेपर एनालिसिस पर। अब पेपर एनालिसिस में दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, आज फुल लेंथ ट्रिग्नोमेट्री पेपर एनालिसिस है, तो कुछ क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी टाइम ले लेते हैं। आपका सिलेक्शन जितना स्ट्रांग और राइट होगा उतना अच्छा। दूसरा, आप में से जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी, आप लोगों में से कई लोग जो गुरुकुल ऑलरेडी ज्वाइन थे, प्रैक्टिस करिए, कई सारे क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने कैसे भी पढ़ा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया और आंसर ध्यान है, आप उसको आंसर मार्क करें, यानी स्टैंडर्ड या लर्न कोई क्वेश्चन जिसका दिमाग में आंसर है उसको मार्क करें,
आप अगर हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरे नहीं होंगे, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले सॉल्व किए होंगे, अगर उनका आंसर याद है तो वेल एंड गुड, मार्क करके मूव करें, नहीं तो आपको पूरे अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगी। अब वन बाय वन मैं एनालिसिस करवाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। विशेष आप मुझसे क्लास के बाद इंटरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ओके। अब आप सब लोग, मेरा कहना यह है कि पूरा फोकस पेपर एनालिसिस पे दीजिए, क्लास एंड में आप मुझसे डिस्कशन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोला ना, अपने हमने कितने 40 दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो कई क्वेश्चन आपने पहले से करे होंगे इसलिए याद होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, मतलब एपी की जो साइड्स हैं वो ए बी सी वो एपी में है, यानी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, बोला है ना। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल जो भी होगा ग्रेटेस्ट एंगल उससे डबल होगा। एंगल क्या होते हैं बेटा, ए बी और सी। मान लो ये थीटा है, इसको बी रहने दो तो ये टू थीटा हो जाएगा, और आपको ये पता है कि तीनों एंगल का सम पाई होता है। इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि बी केवल कितना होगा, बी केवल तो पाई माइनस थ्री थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज आपको पहले से पता, ध्यान देना क्वेश्चन को, एक चीज आपको पहले से पता है कि ट्राइंगल की साइड जो है वो एपी में है, यानी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी, ध्यान से देखिएगा, यस और नो। अब टू साइन बी को लिख सकते हैं पाई माइनस थ्री थीटा, पाई माइनस थ्री थीटा ये बेटा साइन थीटा, ये डबल एंगल है तो साइन थ्री थीटा, अगर मैं साइन टू थीटा, यस और नो। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टू साइन थ्री थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, राइट। देखिए ध्यान से लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से देखिएगा, अगर मैं इसमें से चाहूं तो साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं, कैसे, ये इसको लिख सकते हो टू साइन थीटा, तो ये लिखोगे थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन थीटा कॉमन लिया, दिस इज वन प्लस टू कॉस थीटा, यस और नो। ये देखिए अब क्योंकि आप वैल्यू निकाल लो तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, छोड़ दीजिए। अब क्या क्या बचा बताइए, सिक्स माइनस एट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टू कॉस थीटा, या आप लिख सकते थे सिक्स माइनस एट प्लस एट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टू कॉस थीटा, राइट। थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले ले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप अगर याद था तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी कर सकते थे। अब बताइए क्या होगा, एट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा, सबको एक तरफ ले लें, ये बेटा मिला माइनस टू और इधर आ गया तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, चेक करिए जरा, चेक करिए। बहुत क्वेश्चन पहले से किए हुए थे, वेरी गुड। अब आपको माइनस 24 बनाना है ना, तो 6 और 4 फैक्टर हो जाएंगे, तो आप ऐसा लिखोगे। अब कई चीजें मैं बेटा आपको समझाने की वजह से लिखता हूं, कोशिश करिए आप लोग ना लिखें कम से कम, क्योंकि मुझे आप सबको एक्सप्लेन करना है इसलिए। तो जैसे आप इसमें से 2 cos थीटा कॉमन लिया तो 4 cos थीटा माइनस 3, माइनस प्लस 1 कॉमन लिया 4 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो आप एक तरह से बोलेंगे cos थीटा इक्वल टू 3 बाय 4 और cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 हो नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और थीटा छोटा एंगल है और उससे डबल एंगल 2 थीटा है, इसलिए थीटा की वैल्यू ये नहीं होगी। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाय 4। अब आपके पास cos थीटा आ गया तो आप साइड के रेशियो बता सकते हैं, नोट करते चलिएगा मेरे साथ। पर ये क्वेश्चन मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले राउंड में मत करिएगा, इसको बाद में करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन से कर सकते थे,
ट्राई कर सकते थे ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लीस्ट एंगल डबल होगा ज्यादा, है ना। तो अगर ये देखो ये 4 है, ये 6 है, बहुत आप ऑप्शन से, ये 3 5 की सिमेट्री नहीं है, ये भी इसका डबल नहीं हो रहा है, पर ये इसका डे टाइम है। एंगल जितना बड़ा होगा साइड भी उतनी बड़ी होगी, अगर आप चाहते तो इसको कर सकते थे। अभी पूरा समझ लीजिए, तो कॉस थीटा 3/4 आ गया, इसका मतलब आप मुझे लॉजिक से बताइए कि साइन थीटा भी निकाल सकते हो आप, है ना। कॉस थीटा के बाद आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, या यही लिखा रहे। तो अब आपको बताना है ए इज टू बी इज टू सी, यानी साइन थीटा, साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा, बस ये निकाल के रेशो ले सकते हैं, ये क्वेश्चन में करना था। तो बी इज आर राइट आंसर, मैं बता रहा हूं ऑप्शन से भी कैसे कर सकते थे बिल्कुल। बिल्कुल बता सकता हूं। तो अब आप देखिए, आपको समझ में आ गया साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, चाहो तो इसमें एक काम कर सकते थे, साइन थीटा सबका कैंसिल, यहां मिलता 1, यहां मिलता 3 है, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मिलता बेटा 2 cos थीटा। यस और नो? अब एक एक करके अगर आप रखते, देखो 2 into ये 3/4 रखते तो ये 6 आ जाता, यानी एक साइड की लेंथ 6 है, 4 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता। ओके, नोट करिए, नोट करिए, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला कि पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छा बनाना होता है, कि अगर आपने सही सिलेक्शन किया है क्वेश्चन का, जैसे इसको ऑप्शन से भी करते तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था, तो हम इस क्वेश्चन को पहले राउंड में ना करें, हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस भी। ओके, चलिए जरा आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन समझिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन आप पहले राउंड में कर सकते थे, अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच में, बताइए 10^2 अल्फा पूछा है, क्या करोगे? बहुत स्पीड में कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यस और नो? बस खत्म क्वेश्चन। तो 10α 3/5 प्लस 5/13 अपॉन 1 - 3/5 इंटू 5/13, 39 + 25 अपॉन 65 - 15, यस और नो? देखिए 10^2 अल्फा पूछा आपसे, ये अपने आप ही 10^2 अल्फा हो गया, यस और नो? कितना हो जाएगा ये जोड़ेंगे आप, करिए, अच्छा एक मिनट, ये कॉस दिया ना बेटा, हाँ मैंने वही मैं सोचा था, ये कॉस 3/5 है, तो इसको 10 के टर्म में बनाओगे तो हो जाएगा 4/5, नहीं हाँ 4/3, सॉरी बेटा, तो यहां 4/3 लिखिएगा, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया। देखिए ऐसा लिखा पहले तो आपने 10^2 अल्फा को, तो ये हो गया 10α + β प्लस 10α - β अपॉन 1 - 10α + β, ऐसे ही लिखते ना, इंटू 10α - β। बस यहां नहीं रखना कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दोनों साइन और कॉस दिए थे, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर 10α + β हो जाता 4/5 और 10α - β होता बोलो 5/12, ये लिखना था मुझे, सॉरी। तो 4/5 + 5/12 अपॉन 1 - 4/5 इंटू 5/12, 48 + 20 = 63/, यस और नो? क्लियर है बात? यस, 63/16, पहले ही बोल दिया था, बिल्कुल ठीक है। बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं, बोर्ड एग्जाम का कुछ कह नहीं सकते बेटा, अभी थोड़े दिनों में सब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? एकदम ध्यान नहीं दिया ये बेटा, इसको 10 बनाना है और इसको भी 10, और ये राइट ट्राइंगल से आपने 10 बना लिया है ना, तो ये हो गया कितना, 48 + 63 अपॉन 60 - 20, तो ये कंप्लीट सॉल्व होके कितना आ जाएगा आंसर, कहां पर दिया, ये दिया हुआ, नोट कर लीजिए। सिक्सटी थ्री बाय सिक्सटीन, ओके बिल्कुल सही है, डन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ये क्वेश्चन देखिए, देख के ये क्वेश्चन कोई भी उलझ सकता था, थोड़ा सा इसमें इन्होंने कंफ्यूज किया था। मैं आपको इसकी शॉर्ट टेक बताता हूं, होंगे क्लिक होंगे अभी धीरे धीरे, पेपर एनालिसिस से बहुत सारी चीजें सीखोगे बेटा आप लोग। फोर बाय थ्री किसमें लिख रहा हूं बेटा? अब देखिए एक चीज याद रखिए, आपको जब पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा अप टू कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन टू पावर एन, याद होगा, साइन थीटा इंटू साइन टू पावर एन थीटा। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब बस आप सीधे सीधे निकाल सकते थे, ये टू से टेन तक है, यानी कितने फैक्टर है, नाइन, तो टू की पावर नाइन आना चाहिए। टू की पावर नाइन कितना, 512, एक ही में है। करेक्ट आंसर इज सी। समझिए कैसे करा है डायरेक्ट, करेक्ट आंसर इज सी, यस। देखिए फिर से बताता हूं, बस इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या थी, वो सीखिए कि आपको यहां पर साइन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था बेटा, और यहां पर रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन का समझना था मीनिंग। देखिए पहला टर्म क्या था, कॉस पाई अपॉन टू पावर टेन, कॉस पाई अपॉन टू पावर नाइन अप टू कॉस पाई अपॉन टू पावर टू, ऐसा क्वेश्चन था। अब अगर मैं इसे करता मेथड से तो ये नो टर्म है, टू की पावर नाइन, नीचे हमेशा लीस्ट एंगल आता है वो भी साइन के टर्म में, तो साइन पाई अपॉन टू पावर टेन, राइट, जो कि दिया हुआ था, आपस में कैंसिल, और ऊपर जो सबसे आखिरी है उसका डबल एंगल आता है, यानी साइन साइन टू इंटू पाई अपॉन टू का स्क्वायर, तो ये पाई बाई टू बचा, तो ये वन हो गया बेटा, ये कैंसिल, टू की पावर नाइन इज 512। एक सिंगल फॉर्मूला याद हो तो पहली क्लास में ये क्वेश्चन हमने करा था कि कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं, याद आया? बिल्कुल ऐसे ही किया था, वेरी गुड। नहीं सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है टोनी, अभी आता हूं पीछे, अगर उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है बेटा, अल्फा माइनस बीटा दोनों पाई बाई फोर है, दोनों पाई बाई फोर से छोटे हैं, यही खास बात थी पिछले क्वेश्चन में। क्लियर बात, ये क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया आपको? अब किसी को नहीं आया समझ में तो एक बार फिर बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट जैसे कभी लिखा बेटा, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, इस छोटे से क्वेश्चन समझिए, कॉस टू स्क्वायर थीटा, मैं बोलूं इसका इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप बोलते टू का क्यूब, जितने फैक्टर हैं, नीचे साइन का लीस्ट एंगल, ऊपर साइन का इससे डबल एंगल, तो साइन टू का स्क्वायर था तो अब फोर था तो एट हो जाएगा, ओके, तो जो नीचे साइन आ रहा है उस साइन के लिए कैंसिल करने के लिए ये साइन दिया, जिस पे हो सकता आपकी नजर ना गई हो, ये इसकी की थी, देखिए ध्यान से, तो ये आपस में कैंसिल और ऊपर मिलता साइन पाई बाई टू जो कि वन हो जाता। वैसे भी मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई कि आंसर में कहीं साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक प्रॉब्लम खत्म। अब नहीं दिख रहा है तो टू कितने बार आ रहा है, मतलब ये कॉस कितने बार आए, नाइन फैक्टर, तो वन अपॉन टू की पावर नाइन, दिस इज 512, दिस इज 512, क्लियर? फिर समझिए, आप में से कुछ लोग शायद समझ नहीं पाए, अभी संडे वाला टेस्ट छोड़ दो बेटा, अभी इस टेस्ट पे फोकस करो, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन को ये क्वेश्चन करने में कोई बच्चा 2 मिनट भी लगा सकता था, 5 मिनट भी, और कोई 10-15 सेकंड भी। समझिए सबसे पहले कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये कॉस, पहले तो इसको छोटे से नीचे आओ, ये देखो कॉस पाई अपॉन टू का पावर टेन, वो साइन को अलग लिख लो, यहां लिख लेते हैं पाई अपॉन टू पावर टेन, यही है ना, देखो अब सुनिए, इसके बाद क्या है, कॉस पाई अपॉन टू पावर नाइन रहा होगा बेटा, इसके बाद कॉस पाई अपॉन टू पावर एट, और अब टू कॉस पाई अपॉन टू की पावर टू, यहां तक गए, यस और नो? अब इतने को ध्यान से देखिए, इतने को ध्यान से देखिए, ये एक एक टू का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, आप पाई अपॉन टू की पावर टेन को अगर अल्फा मान लें, तो देखो पाई अपॉन टू की पावर टेन को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लूं, तो समझना ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस टू अल्फा, क्योंकि एक टू का मल्टीप्लाई, एक टू का डिवाइड, ठीक है, ये कितना बेटा,
फोर अल्फा, क्योंकि फोर टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड, अप टू यहां पर टू की पावर एट का मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी टू पावर एट, यानी कॉस टू पावर एट पाई, ये मिला, या अल्फा लिख सकते हो, टू पावर एट इंटू अल्फा। अब आप इसके रिजल्ट को, मैंने अभी बताया कितने फैक्टर हैं टोटल, टू की पावर जीरो से नाइन, तो टू की पावर नाइन साइन अल्फा और आखिरी में इसका डबल, तो कॉस टू की पावर नाइन इंटू अल्फा लिख दीजिए, लिख दिया। अब सुनिए, यहां पर अल्फा की वैल्यू वापस डाल, यहां साइन आएगा, सॉरी साइन, अब अल्फा की वैल्यू डालिए, तो साइन टू की पावर नाइन पाई अपॉन टू पावर टेन अपॉन टू पावर नाइन साइन पाई अपॉन टू पावर टेन, बेटा ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं था हर जगह, ये और ये आपस में कैंसिल, यहां पर एक टू बचा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो वन अपॉन टू पावर नाइन कितना हुआ, वन बाय फाइव वन टू। ये तो हुआ पूरा मेथड, पर ट्रिक कितनी अच्छी थी कि आप अगर थोड़ा ध्यान देते तो फट से नो फैक्टर देख के टू की पावर नाइन से फाइव वन टू लिख सकते थे। नोट कर लीजिए, जिन जिन लोगों का सही हुआ वो क्लियर है, सभी को क्लियर है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल नीचे आता है, लार्जेस्ट एंगल का डबल एंगल ऊपर आता है इन टर्म ऑफ साइन, और स्मॉलेस्ट एंगल को कैंसिल करने के लिए एक टर्म दिया था, कई लोगों का उस पर नजर नहीं गया होगा, यही इस क्वेश्चन की थी, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, कैसे करना था आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए साइन थीटा वन बाय टू कॉस फाइव वन बाय थ्री देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइव देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइव, सभी को क्लियर है, ओके अनामिका, जब नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप कर लिया कैच, बहुत अच्छे से पेपर एनालिसिस पे ध्यान दो। देखो आपके साथ दो चीजें होती हैं, एक तो मैं पेपर आपको करवा रहा हूं सॉल्व, है ना, और साथ में पेपर पहले सुबह देते हो। अब जैसे ये देखो बहुत सिंपल है, साइन थीटा वन बाय टू दिया है, मतलब ये तो 30 डिग्री होगा ही होगा, एक बात। कॉस फाई वन बाय थ्री दिया बेटा, अब वन बाय थ्री दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप बताओ कॉस 60 कितना होता है, कॉस पाई बाई थ्री वन बाय टू, तो रिजल्ट कहां से स्टार्ट होता है, वन से, पाई बाई थ्री तक वन बाय टू हुआ, तो पाई बाई थ्री से बड़ा एंगल होगा ना, 70 डिग्री या कुछ होगा, क्योंकि 90 तक जाते जाते जीरो हो जाता है, यानी इसकी जो भी वैल्यू हो पर पाई बाई थ्री से तो बड़ी होगी, तो पाई बाई थ्री से बड़ी हुई मतलब 60 डिग्री से बड़ी हुई, तो पहले तो ये आंसर रिजेक्ट। अच्छा 60 डिग्री से ज्यादा हुई तो 30 प्लस 60 90, और कितनी 90 से कम होगी तो 2 पाई बाई थ्री के बीच में होगा, बस यही आंसर हो गया। ये दोनों तो बहुत आगे निकल गए इसलिए इसके कोई चांस नहीं है, ये दोनों बहुत ज्यादा निकल गए इसलिए कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 5 पाई बाई सिक्स का मतलब जानते हो कितना, बहुत आगे निकल गए इसमें आप, इज दैट क्लियर, सबसे नियरेस्ट एंगल। क्लियर बात, चलिए नहीं समझे फिर बता देता हूं, फिर समझिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में टाइम ले लेते हैं, यही क्वेश्चन हमारा टाइम सेव भी करते हैं, समझिएगा। आपको दो अलग अलग एंगल दिए हुए थे बेटा, एक दिया था साइन थीटा वन बाय टू, ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आपने थीटा 30 डिग्री बोला या पाई बाई सिक्स, एक दिया था कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय टू, वो सॉरी वन बाय थ्री। अब मैं पूछू वन बाय थ्री कितना होगा, तो आप बिल्कुल श्योरली बोल सकते हो थीटा ग्रेटर देन पाई बाई थ्री लेस देन पाई बाई टू, क्योंकि पॉजिटिव है, यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री से ज्यादा होगी और पाई बाई टू से कम, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड में तो नेगेटिव हो जाता है, तो पाई बाई थ्री से ज्यादा और पाई बाई टू से कम, क्योंकि बेटा ऐसा चलता है कॉस का ग्राफ, कॉस थीटा को अगर हम देखें तो जीरो पे वन होती है ना, 45 पे वन बाय रूट टू होती है, 60 डिग्री पे वन बाय टू होती है, वन बाय टू मतलब पॉइंट थ्री, और 90 डिग्री पे जाके जीरो हो जाता है,
तो आप मुझे बताइए 1/3 यहीं कहीं आएगा ना, तो 60 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। अब इन दोनों एंगल को मैं बोलूं ऐड करो तो 60 डिग्री से ज्यादा और 30 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री से बड़ा आंसर होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा ये है, 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 90 और 30 जोड़ें तो 120, तो 120 से छोटा वो एक ही रिजल्ट में दिख रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हुआ। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अभी क्लियर बात? आप सभी को क्लियर है? अरे बेटा, कॉस में उल्टा चलता है, 1/2 और 1/3 में 1/3 छोटा होता है तो वो 60 डिग्री के आगे जाएगा, यही तो गड़बड़ हो जाती है। साइन में उल्टा चलता है बेटा, साइन 0 0 होता है, साइन में ये साइन अगर साइन के टर्म में होता तो साइन 31/2 होता, तो अगर साइन में होता तो इस 30 डिग्री से छोटा होता, कॉस में है तो 60 डिग्री से बड़ा है। और लॉजिक सोचिए, मान लीजिए साइन में होता तो अगर साइन का 20 डिग्री है तो कॉस का कितना होगा, 70 डिग्री, साइन और कॉस उल्टे चलते हैं, लॉजिक लगाया करो आप। मान लो साइन में 1/2 30 होता तो कॉस में कितना होता, 60। आप समझिए, आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया कि 1/2 जो है 1/3 उससे छोटा होता है, इसलिए तो पीछे वैल्यू आ गई, यहां पर आई, तो ऐसे सोचिए आप इसको। अभी क्लियर है बात? अभी क्लियर है? 60 डिग्री से छोटा होगा जिसने लिखा है, दो तीन लोगों ने, उनको अभी क्लियर है बात कि साइन में और कॉस में, देखिए मैं एक एक क्वेश्चन पे इसलिए वर्क करता हूं कि आप समझ पाए। आप समझिए बेटा, अगर साइन में होता, देखो मैं साइन थीटा का स्केल लूं तो 0 पे 0, 1/2 पे बेटा 30 डिग्री, तो 1/3 यहां आएगा, तो हो सकता है 15 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, ऐसे ही होगा ना। अब कॉस में उल्टा चलता है, कॉस 0 1 और कॉस 60 होता है 1/2, तो यहां कहीं आएगा ना, हो सकता है 75 डिग्री हो सकता है 70 डिग्री हो, जहां पर 1/3 मिले। अभी क्लियर बात? थोड़ा समझिए, 1/3 छोटा होता है 1/2 से, इसलिए तो 60 डिग्री को क्रॉस कर गया। आइडियाज क्लियर? चलिए वेरी गुड, आप सभी को क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। टू पोल्स, नॉर्मली मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे लास्ट में करिए, कई बार टाइम लग जाता है, पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बना के उसका आंसर निकालना है, पर कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, चलो अच्छी बात है, कंफ्यूजन था दूर हो गया बेटा। उसको जोड़ोगे तो जब 60 डिग्री से बड़ा होगा तो 90 डिग्री तक जा सकता है, तो दोनों का सम 2π/3 होगा ना, इससे कम और इससे ज्यादा, यहां पर ये इसका मतलब है। चलो शिवम, बात समझ में आ गई बेटा कि एक एंगल 30 है और दूसरा एंगल 30 60 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसका सम 120 से कम और 90 से ज्यादा, ये मतलब है, कोई 120 थोड़ी है उसका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन करिए, टू पोल्स आर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, आर हाइट 5 एंड 10 मीटर, ठीक है, एक 10 मीटर का है और एक 5 मीटर का है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, अगर टॉप को ज्वाइन करते हैं तो एंगल 15 डिग्री का बनता है, ये हो गया ठीक है, विद द ग्राउंड देन द डिस्टेंस इन बिटवीन पोल, यानी आपको ये डिस्टेंस बताना है, ये एक्स हो गया बेटा, ये तो काफी सिंपल हो गया। अच्छा ये पूरी लेंथ 10 थी तो ये बची 5, तो आप क्या कर सकते हो, आप 10 15 ले लो, तो 10 15 इक्वल टू 5/x, या x पूछा तो 5 cot भी ले सकते थे डायरेक्टली। अब 10 15 की वैल्यू किससे निकालोगे, 45 - 30 याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, √3 - 1/√3+1 रख दो यहां पर, तो 5 √3+1/√3 - 1, ऑब्वियसली रैशलाइज किया होगा तो रैशलाइज कर दो, तो 5 √3+1 का होल स्क्वायर / √3 - 1, 2, तो 5/2 के साथ देखो कौन सा आंसर है, ये नहीं, 5/2 के साथ जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 + √3, तो 5 × 2 + √3 है,
फाइव इंटू टू प्लस रूट थ्री, दिस इज द राइट आंसर। देखिए मॉक का क्वेश्चन था, ओके आइडियाज क्लियर। बट अब आपने इतनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करी कि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें कितना आपने टाइम दिया ये आपके ऊपर है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन प्लस, और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से ये असेस करिए कि किन क्वेश्चन को आप कितना टाइम देते हो। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन ही है ना, एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं इधर उधर का। कितना टाइम देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आशु बेटा आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा सॉल्यूशन। ओके 2019 में आया था। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखें, कितने लोग हैं सिक्स का आंसर डी बोल रहे हैं, जरा लिखिएगा। सिक्स का बी लिख रहे हैं कुछ। ओके नहीं नहीं शालू बेटा आप एंगल ग्राउंड के साथ नहीं, पोल के बीच में बन रहा है, कंफ्यूज मत होइए, फिर से कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। पोल के साथ दोनों पोल को बना रहा है वो। सिक्स का सी, सिक्स का बी। ओके सिक्स में मुझे आंसर चाहिए और टाइम बताना। देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो से वन होगी, होगी कुछ भी कर लो। अच्छा इसकी वैल्यू भी जीरो से वन होगी। अब एक बात समझो, जब ये ठीक जीरो होगा तो वन मिलेगा, और ये भी वन हो सकता उसी समय। यानी ये क्वेश्चन में अगर कोई और एंगल हुआ, अगर इसमें जीरो के अलावा, इसकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी और हुई, तो ये ओवरऑल रिजल्ट ग्रेटर देन वन हो जाएगा, जिस पे डिफाइंड नहीं होगा। तो बस आपको सोचना है साइन जीरो कब होगा, साइन पावर फोर एक्स जीरो कब कब होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बिना करे कर सकते थे। अब आपको पता है एक जीरो पर, एक पाई पर, एक टू पाई पर, एक माइनस पाई पे, एक माइनस टू पाई पे, यानी वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इसके ऐसे सॉल्यूशन है जो करेक्ट है। बिना सॉल्व करे आंसर दिया जा सकता था। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा निशांत, अनअटेम वाला तो नहीं था बेटा। ये तो बड़ा प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चंस को आप हैंडल करते हो इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्लियर, नोट करिए। फोर मिनट लगा दिए निखिल, फोर मिनट नहीं लगते इसमें, अभी समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? क्या करा मैंने, सिंपल। आपको एक चीज पता है बेटा कि अगर साइन एक्स है तो वैल्यू होती है माइनस वन से प्लस वन, और इवन पावर है कोई भी इवन पावर तो जीरो से वन। अब सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि अगर इसकी वैल्यू, अच्छा ये भी इवन पावर है, अगर इसकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और हुई तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अब साइन जीरो कब कब होता है वो देखना। अच्छा पावर इवन हो गई तो हम निगेटिव वाले भी ले सकते थे, पॉजिटिव वाले भी, यानी जीरो वो तो खैर जीरो ही लेना हमें, तो हम ये सब ले सकते थे, माइनस टू पाई, माइनस पाई, जीरो पाई एंड टू पाई। तो ऐसे पांच सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल गए। क्लियर, सभी को क्लियर है ये बात? दो मिनट नहीं लगना चाहिए था इसमें बेटा, दस सेकेंड। यस वेरी गुड। अब क्लियर है? ओके रुचिका, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस देखो जेई में अक्सर क्या होता है, एंगल नहीं पूछते, एंगल पूछेंगे आप सेटिस्फाई करवा दोगे। द सम ऑफ ऑल वैल्यू, यानी आपको एंगल निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद ऐड करना होगा। यही क्वेश्चन निम सेट में हो सकता है एंगल पूछते, एनडीए में तो श्योर हूं मैं एंगल ही पूछा जाता। यानी लेवल में कहां चेंज आता है ये क्लियर होना चाहिए। तो आप जब थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ लेते हो तो पीछे के एग्जाम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। बताइए क्या होगा, कॉस का लेना देना क्यों नहीं है बेटा? कॉस का बिल्कुल लेना देना, इस जीरो पे ये वन हुआ, पाई पे भी वन हुआ, इन सब पे वन होगा, जब भी तो दोनों इक्वल है। कॉस का है पर हम इससे कंक्लूजन दे दिया ये है
क्योंकि जिस वैल्यू पर ये जीरो होगा उस वैल्यू पे इसका वन होना भी जरूरी है, तो लेना देना तो था। अच्छा कॉस में क्या होता है, कॉस पाई होता है माइनस वन है, पर इवन पावर ने प्रॉब्लम खत्म कर दी। इवन पावर नहीं होती तो हम माइनस वाले भी नहीं ले पाते। ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए कि यहां पर केवल कॉस एक्स दिया होता, चलो तो हम फिर क्या करते, फिर सुनो क्या होता, फिर हमें केवल वो देखना जब वन हो, तो जीरो पे वन होता दोनों, जीरो के बाद पाई नहीं होता क्योंकि ये माइनस वन हो जाता, टू पाई हो जाता, माइनस पाई नहीं होता, माइनस टू पाई हो जाता, यानी फिर तीन सॉल्यूशन मिलते। तो पर इवन पावर के चक्कर में आपको पूरे ही सॉल्यूशन मिल गए। लेना देना है ऐसा नहीं है, नहीं लेना देना है, पर इस पे फोकस करके आप आंसर दे सकते थे। ध्यान तो हर तरफ रखना पड़ेगा। बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैं पूरा पूरा मैथ्स पढ़ाता हूं, पूरा मैथ्स, पर अभी मैंने क्योंकि स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से किया इसलिए, अब उसके बाद 2D पे ही आऊंगा, तो जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना उससे ज्यादा स्पीड में 2D कर लोगे। तो जब कोऑर्डिनेट का समय आएगा तो कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ, अगर यहां पे पावर ऑड होती तो कॉमन देते, अभी तो इवन पावर के वजह से क्या हुआ कि कोई दिक्कत नहीं हुई, ये बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कितना टाइम लिया और क्या आंसर दिया बताइए जरा। अगर याद हो तो इसी तरह के एक क्वेश्चन की हमने रेंज निकालना भी सीखा है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्या करो, इसको लिखो 1 cos² 2θ प्लस कॉस की पावर 4 2θ इक्वल टू 3/4। ध्यान देना, 1 cos² 2θ कॉमन लिया तो 1 cos² 2θ ही बचा, ठीक है, यही बचा ना। अब बोलो क्या होगा, ये 1 cos² 2θ ये हो गया बेटा sin² 2θ 3/4। अब आप बताओ 1 - 3/4 इसको वहां ले जाओ और 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, तो sin² 4θ हो जाएगा, ये भी 1/4 ये भी 1/4, तो आपको मिल गया sin² 4θ इक्वल टू 1। अब याद रखना थीटा दिया है, अगर मैं 4θ बोलूं तो 0 से कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो गया ना, हाँ 0 to π/2 दिया है इसलिए हमें उसके हिसाब से लेना होगा। ओके, तो आप बताओ कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, sin² 4θ, तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, π/2 और 3π/2 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से 2π हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो π/2/4 कर दो, तो π/8 π/2/4 3π/2/8 ये कर दो, इन दोनों को ऐड करो तो आंसर इज π/2। चेक करिए, और किसी को नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हैं। नोट करिए, 3D बेटा निमसेट का पार्ट नहीं है, आप बेटा उससे करना चाहे तो ग्राफिकल मेथड से कर लीजिए। आपको ध्यान आया होगा इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था, रेंज निकालने के लिए करते हैं ना, sin² θ प्लस कॉस पावर 4θ की रेंज बिल्कुल वैसे ही था, बहुत ही स्पीड में आपने इसको 1 - cos² लिखा, ये cos 4 है, इसका cos कर कॉमन ले लेते ये साइन बन गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड तो sin² θ का फॉर्मूला बन गया, sin² 4θ इक्वल टू 1। अब ये 1 कब होगा, इवन पावर है, एक होगा π/2 पर, एक होगा 3π/2 पर बाय 4 है, तो 4 का डिवाइड कर दिया 3π/8 प्लस 3π/8 π/8 प्लस 3π/8, तो आंसर इज π/2। इज दैट क्लियर? निशांत आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अभी आया समझ में, अभी ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? क्या किया, ये क्लियर हो गया?
हाँ जो 1 2 3 बाय 4 लिख रहे हैं आप। अभी क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चले अगला। ऋषभ अभी बेटा इस पे एक समय में एक चीज पे फोकस करिए। चलिए, एक्स दिया 0 से π/2, देन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ दिस वन, करिए। मतलब ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। लगा दीजिए इन दोनों में सीडी, तो 2 sin 2x (cos x) - sin 2x = 0। sin 2x कॉमन, तो 2 cos x - 1 = 0, तो sin 2x = 0 और cos x = 1/2। अब 0 से 2π बोला है यहां पर, है ना? तो 0 से π/2 के बीच में, तो एक तो 0 ये हो ही गया। अच्छा यहां पर आप क्योंकि 2 का मल्टी, यहां पर 1/2 बोला है, तो कितना हो जाएगा? π/3। तो कितनी आ जाएंगी वैल्यू? 2। 2 इज द राइट आंसर। यस, कौन सा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बोल रहा बेटा? प्रतीक कौन सा क्वेश्चन रिपीट बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन रिपीट बेटा? रिपीट जब भी लिखते हो स्टेप बाय स्टेप, तो उसका नाम नंबर भी लिखा करो। अभी समझ में आया कि आपने क्या करा? इन दोनों में सीडी फॉर्मूला लगाया, तो सीडी फॉर्मूला लगाया, ऐसा लिख लिया अलग अलग। तो 2 sin 2x (cos x) - sin 2x = 0, sin 2x (2 cos x) - 1, तो sin 2x = 0 और cos x = 1/2। तो एक एंगल 0 और एक हो गया बेटा π/6। तो दो सॉल्यूशन हो गए। यहां इक्वल टू नहीं लिखा है, π/2 पे, है ना? डन। कौन सा क्वेश्चन रिपीट बोला? 8। अभी समझा दिया ना दोबारा बेटा? ओके, अभी क्लियर है प्रतीक? क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 5 times of tan² x - cos² x = 2 cos 2x + 9, देन द वैल्यू ऑफ cos 4x। अब इसमें कोई जिस ढंग की वैल्यू है, इससे पता चल रहा है कि कोई एंगल लेके काम नहीं चलेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आप इसको बाद में ही करिए तो अच्छा है। मैं आपको पूरी हिंट दे देता हूं करना ये। 5 tan² x को लिख सकते हो sin² x / cos² x, माइनस सबको हम एक काम करते हैं। अब इसको ये भी लिख सकते थे 1 - cos 2x / 2, 2 से 2 कैंसिल, और इसको लिख सकते थे 1 + cos 2x / 2 = 2 cos 2x + 9। एक काम करो बेटा, इतना ना लिखना हो तो cos 2x को मान लो y। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 5 times of 1 - y / 1 + y - 1 + y / 2 = 2y + 9। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो y मिल जाएगा। cos 4x पूछा है, cos 4x होगा 2 cos² 2x - 1, यानी 2y² - 1। तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो वहां पुट कर देना आएगा, पर ये क्वेश्चन टाइम ले लेगा। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, क्योंकि कोई एंगल सोचने पे आप नहीं लगा पाते। नोट कर लीजिए, 9th का आंसर हाँ डी है, 9th का आंसर टी है। अच्छा, रिपीट वैसा रिपीट बोला थे तो आपको लिखना था रिपीट इन आर मॉक पेपर, मतलब आपके मॉक पे, अपने मॉक पेपर का रिपीट क्वेश्चन था। ओके निखिल, समझ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते थे आप, थोड़ा सा टाइम लगता आप। मैं समझ गया, आप बोला थे मटेरियल से रिपीट है, तो आपको वो लिखना चाहिए था। वैसे भी आपको मैंने क्या बोला, हमने ट्रिग्नोमेट्री 40 क्लास में कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा था। आज उसका आपके सामने रिजल्ट है, कैलकुलस उससे ज्यादा किया। अभी कैलकुलस में भी ऐसी परफॉर्मेंस देना आपको, याद रखिए अगले वीक से कैलकुलस जब होगा तो इसी ढंग से परफॉर्मेंस देना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट एन बी एन ऑड इंटीजर, मतलब एन ऑड है, इसको आप वैल्यू लेके भी कर सकते हो।
साइन एन थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू मान लो वन ले लू मैं, तो ये साइन थीटा हुआ, यहां पर होगा आर इक्वल टू जीरो टू वन बी आर साइन पावर बेटा आर थीटा। अब जीरो लोगे तो मिलेगा बी जीरो, वन लोगे तो बी वन साइन थीटा। तो एक बात तो डिसाइड हो गई, बी जीरो की वैल्यू जीरो है। अब इनमें ये दोनों खत्म, और वन रखने पे वन कौन दे रहा है, यही दे रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है। अगर दो आंसर मैच कर रहे होते तो हम, मतलब ये दो अगर होते तो हम इनकी वैल्यू बढ़ा लेते। ओके, क्लियर बात। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एक्स और साइन थ्री एक्स को एक साथ ले लेते, एक काम करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स इक्वल टू, समझाने के लिए स्टेप लिखिए, कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स। अगर मैं इसमें सीडी लगाऊं तो टू साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स इक्वल टू टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स, है ना बेटा, टू साइन सॉरी केवल साइन टू एक्स कॉमन, तो बोलो क्या मिला, टू कॉस एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स कॉमन, बोलो क्या मिला, टू कॉस एक्स माइनस थ्री, ये कैंसिल। वैसे भी कॉस एक्स की वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती, थ्री बाय टू, तो ये रूट इमेजिनरी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो टेन टू एक्स इक्वल टू वन, तो टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर, वो सॉरी एन पाई बाय पाई बाई फोर, एक टू का डिवाइडर हो जाएगा, तो एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई एट। बी, यस बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए। ये रूट्स बेटा इमेजिनरी हो गया, वैसे तो कॉमन लेते, कॉमन लेके जब जीरो से क्विट करते तो कॉस एक्स की वैल्यू थ्री बाय टू नहीं आती। अगर ये थ्री कम होता तो ये भी एक सॉल्यूशन का पार्ट होता, मान लो यहां वन लिखा होता तो पार्ट होता। ओके रितेश, समझ में नहीं आया बेटा, इसमें हमने क्या करा, सुनो फिर से क्या करा हमने, सुनो, साइन एक्स और साइन थ्री एक्स को एक साथ लिया, कॉस एक्स और कॉस थ्री एक्स को एक साथ लिया, इन दोनों में सीडी लगाया, इधर साइन टू एक्स कॉमन हुआ, इधर कॉस टू एक्स कॉमन हुआ, ये दोनों फैक्टर कैंसिल, कैंसिल होने के बाद आपको ऐसा मिलता है, साइन टू एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स, यानी टेन टू एक्स इक्वल टू मिलता है वन, तो टेन टू एक्स इक्वल टू टेन पाई बाय फोर मिलेगा, है ना। अब लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन, एन पाई बाय एन पाई प्लस पाई बाई फोर और टू का डिवाइड कर दो। ओके, वेरी गुड, अभी क्लियर है, अभी चलो अगला क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन, क्या करोगे, इनके कोफिशियंट के स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट का डिवाइड कर दोगे, यानी वन बाय रूट टू साइन एक्स वन बाय रूट टू कॉस एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू। आंसर देख लो, कॉस के टर्म में है या साइन के, टू एन पाई के साथ पाई बाई फोर आंच ही नहीं है, तो यही बचा, क्योंकि आप इसे लिखोगे साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू साइन पाई बाई फोर, तो देखो एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू पाई बाई फोर, ये जाके माइनस हो गया।
प्रतीक आपकी प्रैक्टिस बेटा इतनी हो गई, इतने टेस्ट मैंने आपके लिए थे कि आपको कई क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, द एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बताइए क्या होगा। ए बाय बी दिया है 1:√3, अगर आपको ध्यान हो तो हम 30, 60 और 90 में साइड लेते थे 1√3 और 2 लेते थे, बस यहीं पे क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर ध्यान दो तो ये राइट ट्राइंगल है, ये लेंथ 2, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 60 है ना, ऐसा मान लो, ये हो गया 1 और ये लेंथ हो गई बेटा 3। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ध्यान देते तो बहुत जल्दी कर लेते, कैसे कि इन्होंने एक साइड की लेंथ 4 बोल दी, यानी 90 वाली लेंथ अगर 4 बोली है तो ये सब 2-2 टाइम बढ़ जाएंगे, यानी 2√3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये कैंसिल, तो आंसर हो गया 2√3। तो जो आपको मैंने लिखवाए थे एंगल, देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पर जो एंगल लिखवाए थे उससे आपने कितनी जल्दी कर लिया। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। क्लास के बाद बात करता हूं बेटा उस बारे में। समझ में आया? आपने ये देखो 30, 60, 90 पे हमने ये लिखा हुआ है, बनाया था 1√3 और 2। अब मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 2, 2√3 और 4। अगर मैं इन साइड का रेशियो देखूं तो 1:√3 हुआ ना, जो दिया हुआ है ए बाय बी। तो बस आपसे एंगल पूछा, वो सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है, राइट ट्राइंगल था, राइट ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट से आपने एरिया निकाल दिया। क्लियर? यस, स्टैंडर्ड रेशो है, आपके मटेरियल में दिया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ, अकॉर्डिंग टू रेशियो ही तो एंगल पता है, अकॉर्डिंग टू रेशियो ही तो आपने ये समझा कि ये ही 1:√3 होने से समझा आपने, पर एक साइड की लेंथ अगर 2 की जगह 4 दी है तो डबल कर दो, 8 दी होती तो 4 टाइम कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी अमंग द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है ये पूछा है। आपको याद होगा मैंने जो ट्रिक बताई उससे किया होगा तो बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, बताओ जरा। बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, वेरी गुड, अच्छा ही जाएगा बेटा, आपको चिंता नहीं करनी है। बोलिए, इन ट्राइंगल एबीसी एमंग द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू, सबसे अच्छा तरीका है, कुछ बोला तो है नहीं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 ले लो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होंगे। अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं यहां रखूं तो ये 0, ये भी 0, क्यों? क्योंकि 60 माइनस 60 0, ये कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, डी इज द राइट आंसर। देखिए, यस 60 60 60, वैल्यू 1 1 रख के बाकी कोई नहीं कर रहा है, देखो आप करके। मान लो अगर आप इसको सोचो तो ये 0 हो रहा है पर ये नॉन 0 हो रहा है, तो ये सब गलत हो रहे हैं, एक ही बचा आपके पास डी, कुछ दिया नहीं है आपने, 60 60 60 ले लिया, नहीं तो वैल्यू हम अलग अलग भी ले सकते थे। ओके, क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज 25 क्वेश्चन है, अब से आपके जो पेपर होंगे उनमें 25 क्वेश्चन ही होंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बढ़ाने का पर्पज ये है कि आप उतने ही समय में 5 क्वेश्चन और ज्यादा करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस इतनी करी, कई सारे स्टैंडर्ड रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये फायदा आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए, टाइम 1 मिनट भी नहीं बढ़ाया है। गोपाल बेटा अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, जब कैलकुलस पे आऊंगा तो आप कैलकुलस का क्वेश्चन उस समय लिखिएगा। चलिए आप देखिए कितना बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस सी को लिख सकते हो आप कितना, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई, तो ए प्लस सी पाई माइनस बी, यानी यहां पर आप लिख सकते थे 1/2 एक पाई माइनस बी, तो पाई माइनस 2 बी,
यानी एक तरह से आपको मिलेगा 2AC साइन 1/2 भी है तो 2 का डिवाइड कर दो पाई बाई 2 माइनस बी, यानी ये हो गया 2AC कॉस बी। बस कॉस बी का फॉर्मूला ही तो लगाया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, ये कैंसिल तो क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर किसमें, यस और नो? हाँ एंगल ले सकते थे पर जरूरत थी नहीं बेटा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ले सकते थे एंगल पर बिना एंगल के भी उतनी जल्दी हो रहा है, बिना एंगल के भी उतनी जल्दी हो रहा है, काय के लिए लेना है, बाकी लेना चाहो तो ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। डन 30 60 90 45 45 90 बिल्कुल ले सकते थे। हिमांशु मैंने आपको पहले भी बता बोला था क्या करना, आपको पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे लगाइए, ये क्लियर बात? चलिए साइन पी साइन क्यू साइन आर आर इन एपी देन एल्टीट्यूड आर इन एपी एल्टीट्यूड आर इन एचपी मीडियन आर इन जीपी मीडियन आर इन एपी। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है आपको। यतेंद्र सॉल्यूशन में कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलो हिमांशु बेटा अगली बार ध्यान रखना, कोई बात नहीं पूरा फोकस रखिए। आप सब लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर इस चैनल पे हैं तो अपना फोकस पढ़ाई पे रखिए, मेरा भी फोकस पढ़ाई पे रहने दीजिए तो आपका फायदा होगा। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये चैनल काम के लिए नहीं है आपके। यस अब देखिए साइन पी साइन क्यू साइन आर वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। यस एचपी इज अ राइट आंसर, बी बी इज अ राइट आंसर। कैसे करते हैं मैं बता देता हूं, देखिए इक्वल भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ए बी और सी इक्वल मान सकते हो आप, 60 60 60 मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों साइड तीनों एंगल को इक्वल मान लो एपी हो जाएगा। एक्चुअल में क्या ये एक एल्टीट्यूड हो गया, एक ही एल्टीट्यूड हो गया, एक ही एल्टीट्यूड हो गया, तो जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा ना हाफ बेस, जैसे बी सी ये बी मान लो सॉरी ए ए अपॉन इस एल्टीट्यूड को पी वन लिख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा पी वन इक्वल टू बोलो 2 डेल्टा अपॉन ए, तो P1 इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए, या ऐसा बोल सकते हो आप केवल अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड की तो डेल्टा इक्वल टू मतलब A अपॉन 2 डेल्टा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन P1। और A B C किसमें दिए हैं, मतलब अभी मैंने A B C मान लो इसको, P Q में कंफ्यूज मत हो, A B C ओके ये दिए हैं किसमें AP में, तो A B C AP में दिए, यानी आप ऐसा बोल सकते हो साइन है तो उसकी साइड भी रेशो में जाएंगी एपी में, तो 1/P1 1/P2 1/P3 किसमें हो जाएंगे अपने आप ही इस ये एपी रहेगा पर इसका रिवर्स एचपी हो जाएगा, तो एचपी इज अ राइट आंसर। 60 60 60 मान के कर सकते हैं, हाँ एल्टीट्यूड के फॉर्मूले से भी कर सकते हो ओके। चलिए तो कुछ जैसे ये निमसेट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ध्यान रहेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्विक एंड फास्ट जरा स्पीड में करिए, 25 क्वेश्चन खत्म करना है। अब देखिए एक चीज समझिए, ये 2 cos² x/2 है, ये sin² x है और ये x² + 1/x² है, यस और नो? लॉजिकली देखें तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और लॉजिकली देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों एक समय में सेम नहीं होंगे, दूसरा ये आधा एंगल है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी, है ना, लेस देन 2 होगी मतलब, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर एंगल बहुत छोटा दिया, ये भी गिवन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 9। डन
नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा रुचि का 2 होगी, पर इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, इसलिए नो रियल सॉल्यूशन। कोई भी एंगल रख के देख लीजिएगा। सुबोध, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा? 16? नहीं, हिमांशु स्किप नहीं करना था बेटा, समझो। आप चाहो तो इसको बदल के कर सकते थे। देखो ऐसा है, समझना, ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। समझिए, एंगल बहुत छोटा सा है, पाई बाई 9। पाई बाई 9 मतलब बहुत छोटी वैल्यू, उसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कम आएगा और ये 2 से बड़ा आएगा, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इसका लॉजिक है। ओके, 16 क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखिए 16 क्वेश्चन बता देता हूं बेटा। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है थोड़ा एक बार समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले तो है ना, ये PQR में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इसको साइन ए लिख लो, इसे साइन बी लिख लो, इसे साइन सी लिख लो। ओके, अब आप बताइए, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये इसकी साइड है A, ये B है, ये C है। ये एल्टीट्यूड हो गया मान लो P1, ये एल्टीट्यूड हो गया बेटा P2, ये एल्टीट्यूड हो गया P3। अब क्योंकि इन्होंने बोला है ट्राइंगल, अब इसमें हमें कोई तो एक चीज लेनी है। आपको दिया है साइन ए, साइन बी, साइन सी एपी में, यानी ABCB एपी में होंगे। अब एल्टीट्यूड के टर्म में बोला, इसलिए मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू उसका वाला एल्टीट्यूड। ऐसे ही अगले का बोलोगे हाफ बी P2, ऐसे बेटा अगले का बोलोगे तो सी P3। तो अगर मैं बोलूं ए की वैल्यू बताओ, तो आप बोलते ए की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन P1। तो यहां लिखते 2 डेल्टा अपॉन P1, 2 डेल्टा अपॉन P2, 2 डेल्टा अपॉन P3, 2 डेल्टा खत्म। तो 1 बाय P1, 1 बाय P2, 1 बाय P3, ये AP में है। तो P1, P2, P3 किस में आ गए? HP में, और HP में आ गए तो आंसर हो गया एल्टीट्यूड आर इन HP। अभी क्लियर? 16 समझ में आ गया? चलो अभी क्लियर है बात? बेटा कितने भी फास्ट करो क्वेश्चन, क्वेश्चन फास्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, बट रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है हमें। ओके, चलिए 17 मैंने आपको लॉजिक बताया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा। ये वैल्यू 2 से कम होगी और ये वैल्यू 2 से ज्यादा या 2 के बराबर होगी, इसलिए नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये बेटा 1 से कम है वैल्यू, है ना। ये तो डिसाइड हो गया कि ये 1 से कम है, और ये अगर आप अच्छा जिस समय ये बड़ा होता है उस समय छोटा होता है, तो ओवरऑल वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करोगे, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए कि ये 1 भी होता, तो 2 × 0.5 करते तो 2 से छोटा नहीं हो जाता, पर ये तो 2 ही रहता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह कंसेप्चुअल तरीके से आंसर देंगे तो जल्दी निकाल पाएंगे। ओके, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 9 दिया, मान लो मैं 0 डिग्री ले लूं, तो ये 1 प्लस 1 2, पर 2 × 0 0, ये तो 2 ही बना, ये तो 0 ले ही नहीं सकते। खैर आपको इसको भी ध्यान रखना है, पर 0 के बाद कर लेते तो ये 2 से कम, ये 2 से ज्यादा। ओके, 16 क्लियर हो गया? सो वो ठीक है बेटा, आप जब कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि टेन और साइन में पाई बाई 2 जब भी आएगा, जब ये 0 हो जाए तो ये 2 वैल्यू पे 0 हो सकता है, और जिस समय ये 0 है उस समय ये पाई बाई 2। पिछले पेपर में था ये क्वेश्चन, मैंने जान करके दिया कि देखना है कि अगर आपने पिछला पेपर सीरियसली दिया होगा तो 2-3 क्वेश्चन अगर पिछले पेपर के हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपने डायरेक्ट लगाए हैं कि नहीं। तो करेक्ट आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कई लोग टाइम बर्बाद कर सकते थे और कई लोग बहुत जल्दी कर सकते थे। अब देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स 2 2 बाय 3 एक्स ही रहने दो, और इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस 4 बाय सॉरी 9 बाय 16 एक्स स्क्वायर, यस और नो? अब अगर ये लिखा है तो ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स, अब सीखिएगा कितनी कम स्टेप में करेंगे। अब ये दोनों जब इक्वल होंगे, ये भी पता है ये दोनों सेम होते हैं तो ही पाई बाई 2 होता है, तो आप इसके स्क्वायरिंग करते हुए लिख दो 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 बाय 16 एक्स स्क्वायर। बेटा ट्रांसफर करो इसको इधर, 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो गया 144 एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 माइनस 80 है ना, 9 है ना ये, एक मिनट, 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय, ठीक है, एक मिनट 2 बाय 3 एक्स रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करा 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, अरे प्लस होगा बेटा सॉरी, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 81 अपॉन 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 145, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 12 अपॉन रूट 145, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर गया ना, तो ऐसा हो जाएगा एक्स सॉरी ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो 145 अपॉन 144, यानी एक्स हो गया रूट 145 अपॉन 12। वैसे इतने में ही समझ में आ गया होगा, ये अपॉन में 144 है जिसके अपॉन में 12 हो, ये दो में था, इन दो में तो था ही नहीं, प्लस होगा बेटा प्लस, डन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम दोनों को मिला के पाई बाई टू दिया, मतलब ये सीरीज और ये सीरीज आपस में इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय सॉरी एक्स फोर बाय फोर टू प्लस एक्स सिक्स बाय फोर, मतलब अब ये दोनों इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का समीशन ए अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बाय टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, यस और नो? देखिए टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, बस सॉल्व कर लो, टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स कॉमन निकल के हट जाएगा, बाकी का सॉल्व हो जाएगा, कौन से क्वेश्चन में आती समझ में नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, आपने ज्योति जो किया पहले बताइए कौन सा समझ में नहीं आया, ओके, और ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैल्यू पुट अप कर दो, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो मैं वन रख दूं तो ये वन पे वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर होता, ये भी वही होता, तो वन इसका करेक्ट आंसर हो गया, अगर आप चाहते तो वैल्यू लेके ऑप्शन से कर सकते थे एक सेकंड में, क्योंकि जैसे ही वन रखते तो वन की पावर कुछ भी हो सेम होता, तो ये दोनों सीरीज सेम हो जाती, इतना सॉल्व नहीं करना था, चाहते तो ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते थे, और ये पहले से पता था कि एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से रूट टू के बीच में, माइनस वन नहीं हो सकता था, माइनस वन में दिक्कत यह आती कि ये निगेटिव हो जाता, ओके, तो बिल्कुल किया जा सकता था ऑप्शन से, नहीं ये लॉग वन प्लस एक्स और लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन नहीं है बेटा, लॉग में थोड़ा सा चेंज होता है, ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन, अब इसको भी आप एक काम कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है इसका सॉल्यूशन, साइन इनवर्स के टर्म में ही कर सकते हो और साथ में टेन के साथ भी कर सकते थे, हो गया होगा ये, रुचि का 19 का सेकंड स्टेप अब थोड़ी देर बाद बताता हूं बेटा, आप थोड़ा आगे बढ़ गए,
चलिए, ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, बी इक्वल टू टेन इनवर्स, देन अल्फा माइनस बीटा, दोनों को ही 10 बना लो। जैसे अल्फा है, ये वैसे अल्फा हो गया 10 इनवर्स 4/3, बीटा हो गया 10 इनवर्स 1/3, तो 10 अल्फा माइनस बीटा से कर दो सॉल्व, तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ऐसा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। तो अल्फा माइनस बाद में इनवर्स ले लेना, है ना, तो 4 माइनस 1 3/3, 1 अपॉन 9 प्लस 4 13/3, तो 3/13। बट ये 10 के टर्म में, अब 10 के टर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको साइन के टर्म में कर दो। ये 3 हो गया और ये 10 है, 13 हो गया, तो अंडर रूट 169 माइनस ऑफ 9 कर दीजिए, रूट 160 हो जाएगा। एक मिनट, ये 3/4 करना था मुझे, 3, ठीक है, ये 4/3 ठीक है, माइनस 1/3 ठीक है, अपॉन 1 प्लस 4/3, देखो ये 4/3 माइनस 1/3, तो ये 3/3 मिला 1, ठीक है। अरे ये मैंने थोड़ा सा गलत, बेटा 9 होगा, सॉरी 9/13, सॉरी बेटा, तो 9/13, बस इससे पता कर लो क्या आएगा, तो 169 माइनस 81, है ना, क्लियर। चलिए क्लियर बात, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया होगा, ये टेन वर्स एक्स है, 2 टेन वर्स एक्स है, तो वाई इक्वल टू 3 टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। डन, हाँ 9/13 था वो, ये पिछली क्लास में करा था क्वेश्चन समेशन के साथ, एंड 10p/2 10q/2, इसका मतलब एक एंगल π/2, तो बचा भी π/2 ही होगा, तो p/2 प्लस, ऐसा करोगे 10p+q/2 इक्वल टू 10p/2 प्लस 10q/2 अपॉन 1 माइनस 10p/2 इंटू 10q/2, ये 1 हो गया 45 से, ये माइनस b/a अपॉन 1 प्लस c/a, यस और नो। चलिए, अरे स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं था, माइनस टू 23। चलिए अब आपके जो क्वेश्चंस हैं जरा उस पर बात करता हूं, और आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया है, एक बार फिर बता रहा हूं, जो लोग जेई वाले बच्चे हैं, मैजिकल वाले बच्चे हैं, एनडीए वाले हैं, आपको फ्री टेस्ट सीरीज पे जाना है, जेई के लिए आप आईआईटी एस एक ही पे हम यूज कर सकते थे एक्चुअल में, कूपन कोड बाकी कोर्सेज में नहीं दे सकते क्योंकि वो अप्लाई नहीं हो पाता, और ये पहले स्टार्ट हो गया था इसलिए ऐसा हुआ, बाकी मैं रजिस्टर्ड करके हो जाता तो IIT S 30 से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप IIT वाले हैं तो, अगर आप NIMCET वाले हैं तो NIMCET की मैजिकल ही लीजिएगा, उसमें ये टेस्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट उसके लिए भी वही करना है, रजिस्टर्ड करके फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म भरना है, राइट। एनडीए वाले हैं तो भी यही प्रोसेस है, बस करना यही है। देखिए पढ़ाई सबकी सेम होती है, लेवल में डिफरेंस है, जब हम बात करते हैं 12th की तो लेवल अलग, एनडीए तो लेवल और थोड़ा हाई, NIMCET और हाई, जेई मेंस और हाई, IIT जेई एडवांस और हाई, पर बेस सबका एक ही, एक ही दिशा से निकल के आगे बढ़ना होता है। ध्यान रखिए अगले वीक के, एक बार जितने लोग स्टार्टिंग में नहीं थे ध्यान देना, आप में से कोई भी बच्चा जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज के कोई टेस्ट छूटे हैं तो एक तो वो टेस्ट भी दें, और उनका सेम डे एनालिसिस हुआ है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर एनालिसिस दें। जैसे आज का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का पेपर था, अगले वीक के पेपर ध्यान रखिए, और ये कैलकुलस है तो सेट के साथ जो रिलेशन आता है वो होता है सेट रिलेशन, ये फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी मतलब कैलकुलस का फंक्शन, तो फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी का 31 मई को। अच्छा, अब सारे टेस्ट का टाइम 2 PM होगा, हर तरह के बच्चों का कोई भी टेस्ट जो होगा वो 2 PM पे ही होगा,
क्योंकि कई बार मॉर्निंग में क्लास होती है, अभी मैं एलजेब्रा स्टार्ट कर रहा था, इसलिए 25 रिपीट कर देता हूं बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 25 शिवम, 25 काफी सिंपल था, अभी रिपीट कर देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। तो सभी टेस्ट का टाइम थोड़ा शिफ्ट किया है, 2 PM कर दिया मैंने, ध्यान रखिएगा, अभी अभी बताया नहीं था इसलिए। और ये टाइम टेबल आप देखिए, अभी से दिख रहा है कि कब कब कौन कौन से टेस्ट होंगे। पढ़ाई करिए प्रॉपर, टेस्ट दीजिए, बहुत मेहनत से आपने कैलकुलस पढ़ी है, फायदा उठाइए। जो क्वेश्चन देखिए, कई सारे क्वेश्चन जब इसकी स्थिति चलाता हूं, वो आपने अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको सब कुछ पढ़ाया है, आप इस टेस्ट में परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपने सब अच्छे से पढ़ा है। नहीं कर पा रहे हैं तो अभी समय पढ़ाई कर लीजिए। बहुत मजा आया इसके सेशन में, बहुत ही अच्छी बात है, पर आप बस सब लोग एंजॉय करो सेशन में, पढ़ाई करो, पर बीच में ना तो मुझे डिस्टर्ब करो ना खुद को करो, ओके। अभी बता देता हूं जो 2 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बेटा, 2 मिनट रुक जाइए बस। तो ये आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि कब कब आप कौन कौन से टेस्ट होंगे। 31 को फंक्शन लिमिट बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने टॉपिक, तो आपका इसमें परफॉर्मेंस देने में आसानी होगी। पर जब ये फुल लेंथ पेपर होगा, फुल लेंथ मतलब ये कैलकुलस का कंप्लीट मतलब, इन पूरे टॉपिक को मिला के, उसके बाद हम 2D पे भी आने वाले हैं, जो अभी बीच में बोल रहे थे 2D प्रोबेबिलिटी परमुटेशन, ये सब टॉपिक्स आने वाले हैं। पहले इनको पढ़ाऊंगा, फिर इसी के साथ इनके टेस्ट भी होंगे। हाँ, 23X में केवल फॉर्मूला लगाना है। 1 मिनट, आप जो 2 क्वेश्चन पूछे थे मैं 2 मिनट बता दूं, फिर वापस आ जाता हूं। देखो 25 में तो बेटा ऐसा बोला है कि एंगल आर दिया है पाई बाई टू, मतलब एंगल आर अगर पाई बाई टू है और पी क्यू आर है, तो बचा पी और क्यू कितना होगा, पी प्लस क्यू 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं अलग से आपसे बोलूं कि 10 P+Q/2 कितना, तो आप ऐसे ही बोलते ना बेटा, 10 P/2 + 10 Q/2 upon 1 - 10 P/2 × 10 Q/2। अच्छा, पी प्लस क्यू 90 है, 90/2 मतलब 45, तो 1। अब आपको बोला है कि 10 P/2 10 Q/2 इस इक्वेशन के रूट्स है बेटा, तो ये सम ऑफ रूट्स है कि नहीं, तो -B/, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर बेटा? प्रैक्टिस करोगे निखिल तो आप मेरे से ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रविराज फाल्के सर है, वो लेंगे एनालिसिस इम्पिटस गुरुकुल फिजिक्स वाले चैनल पे, और उन्होंने चालू कर दिया है। आपको क्या होता है, इस पे मैंने पूरा मैथ्स वाला पोर्शन रखा हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को फिजिक्स वाले चैनल पे रखा है। इम्पिटस गुरुकुल के 4-5 चैनल है, मेरा सजेशन है भले आप पोर्ट से डायरेक्ट ना हो, पर सारे चैनल अगर सब्सक्राइब होंगे तो प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे डिफेंस चैनल में अब मैं एलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है, लॉक की 2 क्लास हो गई है, देखिए फिर क्वाड्रेटिक पूरा एलजेब्रा पढ़ाना, तो एक ऑर्डर चलेगा। PNC भी मैंने सोचा है वहां पे पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को PNC और प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, वो कवर हो जाएगी। ओके, हाँ विशेष, मुझसे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, क्लास एंड के बाद मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिस टेस्ट सीरीज में आपको जुड़ना है उसी में जुड़े, 2 में ना जुड़े, आप अपनी टेस्ट सीरीज में रहेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर आपके वाली चीजें मिलेंगी, जो काम की होंगी वो सब मिल जाएंगी। और अगर गलत टेस्ट सीरीज से जुड़ गए हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया होता है उस पर करके आप अपना नाम, ईमेल, क्या क्या लगता है हमें, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और कौन से कोर्स के स्टूडेंट है और गलती से किस में जुड़ गए, और ये कंप्लीट सिंगल मैसेज में भेजिएगा। और कोई डाउट, मैं लिंक भेज देता हूं रविराज चैनल का बेटा। आप जब बेटा हमारे चैनल पे जाओगे, इसी वेबसाइट पे जिस पे ये चल रहा है चैनल, उसके साइड में सारे लिंक दिए हुए हैं, सारे वो दिए हुए, हमारे कोर्सेज कौन कौन से हैं सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो सब कुछ दिया हुआ बेटा। मैं आपको फिर भी दे रहा हूं 2 मिनट रुकिए।
कई बार इस पे मैं जब लिंक भेजता हूं तो दिक्कत आती है। हाँ, आपने पूछा था कि निमसेट कब तक होगा। आप अगर मुझसे पूछें तो निमसेट देखो, आईआईटी का एग्जाम जो है वो जून एंड, जून नहीं मतलब जुलाई एंड या अगस्त तक जा सकता है। बिल्कुल ऐसे एनडीए तो सितंबर में ही होना है, इसलिए एनडीए के चेंज होने के चांस नहीं है। निमसेट भी जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक में हो सकता हो जाए या जून एंड में। जून एंड में तो कोई चांस नहीं, जुलाई एंड या अगस्त में ही होगा। मतलब अभी 2 महीने तो हैं, उसी हिसाब से मैं थोड़ा अभी स्लो लेके भी चल रहा हूं पेस। अगर जब भी लगेगा सिचुएशन नॉर्मल है तो हम अपनी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मतलब डेज को शिफ्ट कर देंगे। ओके, 25 का आंसर क्या होगा? 25 का बेटा, अरे आप लोग बेटा सॉल्व करके भी पूछते हो, माइनस बी बाय ए अपॉन वन माइनस, ये आ गया सी बाय ए बेटा, है ना। तो वन अपॉन माइनस बी बाय बी ऐसा मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस को खत्म करना है तो ऐसा लिख दो, वन अपॉन सॉरी बी अपॉन सी माइनस ए, तो सी माइनस ए इक्वल टू बी, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ गया ए। और टाइम टेबल बेटा मैंने अभी बताया था आपको कि क्लासेस कब कब होती हैं। पहले तो ये जेई वाला टाइम टेबल ये है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैजिकल क्लासेस जो होती हैं वो मैं लेता हूं मंडे को, फिर फ्राइडे और सैटरडे को। इसके अलावा मॉर्निंग में ट्यूसडे थर्सडे को और सैटरडे को मैथ्स के एल्जेब्रा को स्टार्ट किया हुआ है। इस तरह से आपकी क्लासेस हो रही हैं। क्या पूछ रहा आरती बेटा? मुकेश आप पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में बाद में, यस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके कर लो या पहले कर लो, बात एक ही है। भास्कर 23 क्वेश्चन, अरे बेटा आप लोग फिर बीच बीच में वही करते हो। 23 क्वेश्चन में क्या हो गया, सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स एंड दिस इज थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब यहां पर ये लिमिट दी है, भले ही 1/√3 पर 1/√3 पाई बाई 6 होता है और -π/6, तो ये रेंज के अंदर है, इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 3 tan इनवर्स x का बस। ओके, निमसेट देने के लिए क्या पूछना चाह रहे हैं आरती? चलिए अच्छा फील हो रहा है तो अच्छी बात है, मेहनत। ऑल टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज का टाइप सीरीज वाला एक सेशन ले लूंगा बेटा मैं। जो क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में होते हैं उनको स्कैनिंग राउंड में कर सकते हो बेटा, जो भी क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में होते हैं उनको स्कैनिंग राउंड में बिल्कुल कर सकते हो। चलो अब मैं सेशन काफी लंबा हो गया, एंड कर रहा हूं। और अब आप लोग जो क्वेश्चन बाय चांस इसका नहीं बना, ये वीडियो बाद में वैसे भी आप देख सकते हो, आप लोग दोबारा इसको देखिए। पहले तो मैं बोलूंगा दोबारा मत देखिए, पहले पूरा पेपर खुद से सॉल्व करिए एक बार फिर से और फिर इस सेशन को दोबारा देखिए। हो सकता है जो चीजें आपको जब समझ में नहीं आई हो बाद में आ जाए। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए भी रखता हूं कि मेरी स्पीड से ही आप अगर चलेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, हाँ मुझसे आप बात कर सकते हैं बेटा नवीन।